अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपने को डिस्कस करना है, इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिंग द अंपायर, यानी कि अंपायर कैसे चलाया जाता था, किस तरीके से राज किया जाता था पूरा इतने बड़े इलाके पे उस जमाने में, जब कम्युनिकेशन को लेकर काफी डिफिकल्टीज थी। तो इतना बड़ा अंपायर जो सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे बनकर तैयार हुआ, जिसमें लगभग लगभग पूरा भारतवर्ष और अफगानिस्तान और सब समा गया, थोड़ा बहुत साउथ का इलाका छोड़ के, इसको अब रूल कैसे किया जाता था उसको हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। देयर वर फाइव मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द अंपायर, द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड सुवर्णगिरी, ऑल मेंशनड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो कुल मिलाकर पूरे अंपायर को इस तरह से डिवाइड किया गया था कि पांच मेजर जो है पॉलिटिकल सेंटर निकलकर आते थे, पांच ऐसे मेजर शहर थे जहां से जो है राजकाज किया जाता था, राजपाट संभाला जाता था। एक तो पूरे के पूरे अंपायर का कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र, जहां पे आपका सम्राट या फिर राजा बैठते थे। इसके अलावा अलग अलग प्रोविंसेस थी, अब यहां पे अलग अलग प्रोविंसेस के अपने प्रोविंशियल कैपिटल्स भी हुआ करते थे, जैसे कि तक्षशिला एक प्रोविंशियल कैपिटल था, उज्जैनी एक कैपिटल था, तोशाली एक कैपिटल था और सुवर्णगिरी, चार आपके जो है प्रोविंशियल कैपिटल्स हुआ करते थे। अब क्योंकि अपने को पता है कि हर एक महाजनपद का अपना एक खुद का कैपिटल सिटी हुआ करता था, तो उसी के बेसिस पे जब अपने को यहां ये पता चल रहा है कि ये अंपायर जो है इसके अपने चार अलग अलग प्रोविंशियल सेंटर्स के प्रोविंशियल कैपिटल्स भी होते थे, इसके बेसिस पर अपन जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा अंपायर शायद प्रोमिनेंटली चार प्रोविंसेस में डिवाइड था। हो सकता है और भी प्रोविंसेस में डिवाइड हो, बट प्रोमिनेंटली चार प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। चारों प्रोविंसेस के भी अपने अपने कैपिटल बनाए गए थे और यहां पर भी फिर लोगों को जो है अपॉइंट किया जाता था और अपने अपने इलाके का फिर ये लोग जो भी काम वगैरह था वो देखते थे। और पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ करता था, यहां पे जो है सम्राट बैठते थे और वो इन सबको कंट्रोल करते थे। अब अपने को इनके बारे में कैसे पता है, तो इसका जवाब यह है, इन सारे शहरों का जिक्र अशोकन इंस्क्रिप्शंस में हमको देखने के लिए मिलता है। पाटलिपुत्र का जिक्र तो उसमें आता ही आता है, इसके अलावा तक्षशिला का भी जिक्र है, उज्जैनी नाम से समझ में आ गया होगा उज्जैन की बात हो रही है, उज्जैनी का जिक्र है, तोशाली का जिक्र किया गया और सुवर्णगिरी या फिर कई बार आप स्वर्णगिरी भी बोल सकते हो, सुवर्णगिरी या फिर स्वर्णगिरी, इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। पहले मैं मैप पर आपको इनकी पोजीशन बताता हूं ये कहां कहां पर है, फिर अपन आगे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तक्षशिला, तो ये आपको तक्षशिला यहाँ पर देखने को मिल गया नॉर्थ में। दूसरा उज्जैनी यहाँ पे मध्य भारत में है, सुवर्णगिरी यहाँ पे कर्नाटक में है और तोशाली ये रहा एकदम कोस्टल इलाके में कलिंग में, और अपना पाटलिपुत्र जो इन सबका कैपिटल है वो ये। तो अंपायर को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया होगा कि नॉर्थ का इलाका जो बड़े लेवल जो प्रोमिनेंटली आपने हैंडल करना है, तक्षशिला में बैठकर कोई आदमी हैंडल करता होगा, इसी तरह उज्जैन जो है वो मध्य भारत और ये वेस्ट का जो इलाका है इसको देखता होगा, सुवर्णगिरी जो साउथ का पूरा पोर्शन है इसको देखता होगा, तोशाली इस इलाके को देखता होगा और पाटलिपुत्र से रेस्ट ऑफ द इलाका जो है इसको हैंडल किया जाता होगा, प्लस बाकी इलाकों को भी किस तरह से आपने चलाना है इसके दिशा निर्देश वगैरह यहां से भेजे जाते रहे होंगे। तो इस तरीके से ये पांच जो बड़े बड़े शहर हैं, एक कैपिटल और चार प्रोविंशियल कैपिटल्स, इनकी मदद से जो है पूरा का पूरा अंपायर चलाया जाता था। तो याद रखिएगा इस बात को, पांच मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे या पांच ऐसे बड़े प्रोमिनेंट शहर थे मौर्यन अंपायर के जहां से पूरा राजपाट चलता था, एक पाटलिपुत्र कैपिटल और चार प्रोविंशियल कैपिटल्स, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और सुवर्णगिरी। अपने को कैसे पता कि यही थे, जवाब है सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस में इन सबका जिक्र आता है, वहां पर इनको डिस्क्राइब किया गया है, इससे अपने को पता चलता है। मैप पे प्लॉट किया तो ये तोशाली हो गया, ये स्वर्णगिरी यानी कि आज का उड़ीसा में एक कैपिटल हो गया, एक कैपिटल कर्नाटक में है, एक कैपिटल मध्य प्रदेश में है, एक कैपिटल आज का जो अफगानिस्तान का इलाका है वहां पर है, और या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो आपका जो वो खैबर पख्तूनख्वा करके जो प्रोविंस पड़ता है वहां पे, और एक जो पाटलिपुत्र आज का अपना बिहार में, ये पांच प्रोविंशियल कैपिटल्स, ये पांच चार प्रोविंशियल कैपिटल्स और एक पूरे एम्पायर के कैपिटल से पूरे शासन को चलाया जाता था। If we examine the content of these inscriptions, we find virtually the same message engraved everywhere. From the present day northwestern frontier province of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha and Uttarakhand in India, could this vast empire have a uniform administrative system? तो वही बात आती है कि अब ये इंस्क्रिप्शंस जो अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिले हैं, अलग अलग भाषाओं में देखने को मिले हैं, कहीं पर पता चला कि प्राकृत भाषा में है, कहीं पर अरेमिक में है, कहीं पर ग्रीक में है, कहीं पर इसको किसी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, कहीं पर इसको किसी स्क्रिप्ट में लिखा गया है ना, कहीं पर ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, कहीं खारोष्टी में लिखा जाता है, कहीं अरेमिक में लिखा जाता है, कहीं पर ग्रीक में लिखा जाता है। कहीं पर भी आपको शिलालेख मिला हो, किसी भी भाषा में मिला हो, किसी भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिला हो, मगर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो निकल कर आता है, मैसेज मोर और लेस वही है कि धम्म का जो संदेश देने की कोशिश सम्राट अशोक ने करी थी, धम्म का जो संदेश वो देना चाहते थे कि बड़ों का सम्मान करो और बाकी सबकी इज्जत करो एंड ऑल दैट, वो जो यूनिवर्सल मैसेज है, मैसेज आपको लगभग मोर और लेस 19-20 के फर्क के साथ में प्रोमिनेंटली हर जगह वही देखने को मिलता है, चाहे अफगानिस्तान के शिलालेख हों, चाहे आप एकदम उससे सुदूर कटक की तरफ में आ जाइए, उड़ीसा में एकदम कोस्टल इलाकों में निकल जाइए, या फिर नीचे आ जाइए आप आंध्र प्रदेश में, या फिर ऊपर चले जाइए उत्तराखंड में, पंजाब तरफ में भी निकल जाइए, हर जगह जो है आपको यही कहानी देखने को मिल रही है, संदेश एक ही है।
अब यहाँ पर अगर एक ही संदेश दिया जा रहा है, इससे फिर अपने दिमाग में एक सवाल उठता है, हो सकता है शायद एक ही फिलोसफी या फिर एक ही तरीके की पॉलिसी जो है उसका भी पालन करवाया जाता हो पूरे के पूरे अंपायर में। यहाँ से फिर सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा अंपायर जो है एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तहत में चलाया जाता था, जैसे आज की तारीख में भारत में एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। आपको हर जिले में कलेक्टर देखने को मिलता है, हर जिले में एसपी होता है, थानों की पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है, चीफ सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी का पूरा सिस्टम है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरे भारत में आज की तारीख में अपने को देखने को मिलता है। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर लॉजिक के बेसिस पे कि यार हर जगह आपको एक ही जैसा संदेश शिलालेखों पर मिल रहा है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ही तरह से पूरा अंपायर गवर्न करते थे, या फिर क्या हर जगह एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था? ये सवाल यहाँ से उठना लॉजिकल है, वाजिब है। इसका जवाब अगर अपन लोग देने जाएँ तो फैक्ट यह है कि इसका एक्यूरेट आंसर तो हम लोग नहीं दे सकते। हिस्टोरियंस का इसके बारे में बड़ा भिन्न भिन्न मत है। कई लोगों का कहना है कि शायद सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में इस तरीके की यूनिफॉर्मिटी रही हो, शायद ना रही हो, मगर आज की तारीख में लोगों का मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस का मानना यह है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा अंपायर एकदम उस टाइम पीरियड में यूनिफॉर्मिटी के साथ में नहीं चलाया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं। इसका लॉजिक यह है कि एक तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, दूसरा ये कि हर एक जो रीजन है उसकी अपनी एक खूब एक अपनी अलग डाइवर्सिटी है। ये रीजन अपने आप में इतना ज्यादा डाइवर्स थे कि इनको एक ही तरीके से गवर्न नहीं किया जा सकता था। इसमें गवर्नेंस में कुछ ना कुछ जो है आपको कह सकते हैं वेरिएशंस रखने पड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से आप अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शासन प्रशासन चला रहे हो उसी तरीके से उड़ीसा का जो कोस्ट का इलाका है वहां पर भी आप वैसे ही रूल कर लोगे। उस जमाने में दोनों जगहों का जो कस्टम्स थे वो अलग थे, कल्चर जो था वो अलग था, पानी की एक जगह पर समस्या है, एक जगह पर कोई कमी नहीं है, एक जगह पर बिल्कुल आपको दूर तक कुछ वेजिटेशन देखने को नहीं मिल रहा, एक जगह पर घने जंगल। तो इस तरीके की डाइवर्स किस्म के एक तो कह सकते हैं जो टेरेन है, और इसके अलावा इन डाइवर्स टेरेन्स एंड डाइवर्स ज्योग्राफी के चलते जो अलग अलग डाइवर्स कल्चर डेवलप हो गए उन सबके ऊपर एक यूनिफॉर्म सिस्टम उस जमाने में थोपना पॉसिबल था नहीं। और मजे की बात यह है कि ये लोग फिर एक सिंगल लैंग्वेज भी नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसी वक्त में ऐसी परिस्थितियों में एक यूनिफॉर्म जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इतने बड़े अंपायर को गवर्न करना शायद पॉसिबल ना रहा हो। इसके अलावा तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि हिस्टोरियंस का आज की तारीख में या फिर कम अज कम मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियंस का ये मानना है, अगर सबका भी नहीं है, कि यार यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सवाल है कुड दिस वास्ट एम्पायर हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसका जवाब एग्जैक्टली ना तो यस हो सकता है ना नो हो सकता है। यस और नो जैसी बात तो अपन कर ही नहीं सकते, मगर चांसेस जो है वो कम है। इसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं, चांसेस आर लो। और वजह अपन लोगों ने अभी डिस्कस करी कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इतना बड़ा जो अंपायर है एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत में नहीं चलाया जा सकता होगा। दूसरी बात यह है कि अब इन्हीं हिस्टोरियंस का मानना इनफैक्ट यह भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपके कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर्स के आसपास रहा होगा, और जैसे जैसे आप कैपिटल या प्रोविंशियल सेंटर से अंदरूनी या भीतर के इलाकों में जाते चले जाते होगे तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उतना ज्यादा सख्त नहीं रह गया होगा। इसको थोड़ा सा मैप की मदद से समझता हूं। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा कि ये पांच कुल मिला के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे और यहाँ से पूरा अंपायर चलाया जाता था। अब पाटलिपुत्र में जहाँ पे राजा बैठते हैं, अगर राजा ने पाटलिपुत्र में कोई घोषणा करवाई है कि भाई फलानी फलानी चीज़ करनी है या फलानी फलानी चीज़ नहीं करनी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में ठीक ठाक इलाके में तो राजा की इस घोषणा को इंप्लीमेंट करा सकते हैं, बट यहाँ से जैसे जैसे वो दूर निकलते चले जाएंगे घने जंगलों में या ऐसी जगह पर जहाँ आबादी कम है निकलते चले जाएंगे, तो वहाँ पर इस तरीके के कोई भी संदेश अगर या कोई भी आदेश अगर दिया गया तो उसको इंप्लीमेंट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन की दिक्कत है। पता चला कि आदेश आज दिया गया था, छह महीने बाद आप वहां पर पहुंचे हो और आप जाकर उनको बता रहे हो, फिर आप वहां पे बोल कर आ गए कि भाई इस तरीके से काम करना है, और फिर पता चला उन लोगों ने कुछ वक्त तक आपकी बात मानी फिर नहीं मानी। तो वही पॉइंट निकल कर आता है कि जो आपके सेंटर थे जहां से आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, आपकी जो राजधानी थी वहां पर और उसके आसपास तो शायद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बना के रखा होगा, मगर जैसे जैसे आप वहां से दूर जाते चले जाते होगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी जो है आपका कमजोर पड़ता चला जाता होगा, या शासन का जो फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं जो प्रभाव है वो आपको उतना देखने को नहीं मिलता होगा। वो लोग ये तो मान लेते होंगे कि ठीक है आपके अंपायर का पार्ट है, आपकी सुवर्जिनिटी स्वीकार कर ली, बट वो अपने हिसाब से जीते होंगे, ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं होगा। टैक्स वगैरह या जो भी चीजें कलेक्शन वगैरह का काम है वो सब में शायद आपका एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहता होगा और वो कर लेता होगा, मगर इसके अलावा ज्यादातर मसलों में उनको अपने हिसाब से जिंदा रहने की आजादी होगी, अपने हिसाब से जीने का जो है छूट दे रखी होगी। और अगर ऐसा ना होता, अगर ये इसका उल्टा, अगर ये अंपायर एकदम यूनिफॉर्मिटी के साथ चल रहा होता यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, अगर एक ही जैसी व्यवस्था लागू करवा के रखी होती तो भारत में आज की तारीख में इतनी डाइवर्सिटी अपने को देखने को किसी हालत में ना मिलती, किसी सूरत में ना मिलती। तो यहां से भी अपने देश में जो डाइवर्सिटी है वो भी इस बात को समझाती है, वो भी इस बात को बताती है कि भाई मौर्यों के वक्त में भी यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो पॉसिबल नहीं था। कैपिटल और प्रोविंशियल कैपिटल के आसपास अपनी दादागिरी आप कर लेते होगे, जैसे आपको जो चलाना है, जो आपने व्यवस्था बनानी है बना लेते होगे, बट जैसे जैसे यहाँ से दूर जाओगे तो वो जो कंट्रोल या फिर पकड़ है वो आपकी लूज होती चली जाती होगी और लोग फिर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते रहे होंगे, ऐसा
इनका मानना है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे निकल कर आता है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे या जो प्रोविंशियल कैपिटल्स थी, इनको भाई आपने मनमर्जी से कुछ भी किसी जगह को नहीं चुन लिया था, इनका जो चुनाव है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ध्यान रखकर और किसी ने बहुत सोच समझकर जो है इनका चुनाव किया था। ये अपने को ऐसे पता चलता है कि तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों शहर जो इंपॉर्टेंट उस जमाने के ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, उनके ऊपर सिचुएटेड थे। जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड जमीन के रास्ते से होता था, तो उस जमीनी रास्ते से होने वाले ट्रेड के रास्तों में बड़े स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तक्षशिला और उज्जैनी की लोकेशन बनी हुई थी। इसके चलते होता यह था कि यहां से व्यापारी काफी आते जाते थे, तो व्यापारी अगर आते जाते हैं तो उन पर टैक्स लगाकर कलेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप राजा के अंपायर से पास हो रहे हो, तो यहां से पास होने का आपको कर या फिर टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। एक तो यह बात हो गई, दूसरा यह कि क्योंकि यहां से खूब आपके व्यापारी आते जाते हैं, तो यह अपने आप में ट्रेड के इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पे डेवलप हो गए। तीसरी चीज जो यहां से हुई वो ये था कि अपना जो धम्म का प्रचार प्रसार करना है, बाकी अगर आपने कोई संदेश वगैरह भेजना है तो वो भी उसके लिए भी एक बड़ा स्ट्रेटजिक लोकेशन हुआ करता था, क्योंकि व्यापारी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और बहुत दूर दूर तक जाएंगे, तो इनकी मदद से आप अपना संदेश भी जो है बहुत दूर तक पहुंचा सकते थे, या फिर अगर आप उनसे डायरेक्टली भी नहीं बोलो पहुंचाने के लिए, तो जिस तरीके की वो चीजें देखेंगे उसका कुछ ना कुछ गाना तो वो गाएंगे दूर जाके। तो इससे कहीं ना कहीं आप सुदूर के इलाकों में भी अपने अंपायर का जय जयकार करवा सकते थे, अपनी पॉलिसीज का जो एक तरीके का प्रचार प्रसार करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते थे। तो तक्षशिला और उज्जैनी को इस तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसाया गया था, दोनों के दोनों एशियन जो आपके ट्रेड रूट थे लॉन्ग डिस्टेंस के उन पर पड़ते थे। स्वर्णगिरी की बात की जाए, स्वर्णगिरी का तो इनफैक्ट मतलब ही ये होता है सोने का पहाड़ या फिर गोल्डन माउंटेन। इसकी लोकेशन जो और इसका जो नाम, उसके बेसिस पर हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद ये कर्नाटक की जो सोने की खान है, गोल्ड माइंस है, उनके पास में कहीं पे सिचुएटेड रहा होगा, तो वहां से सोना वगैरह इकट्ठा करकर स्वर्णगिरी में लाके रखा जाता होगा, फिर यहां से राजा तक भेजना या जो भी उसका इस्तेमाल करना है उसके लिए किया जाता होगा। अलग अलग जो कुल मिलाकर जो आपके सेंटर्स हैं, सबका अपना एक स्ट्रेटजिक महत्व था, सबका अपना एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस था, और उसको ध्यान में रखकर इनको बसाया गया था। मन मर्जी से कोई भी शहर पकड़ लिया और आपको अच्छा लग रहा हो, इस तरीके से जो है काम नहीं होता था। अच्छा, एक चीज और कि पूरे के पूरे एम्पायर में, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि अगर आप कम्युनिकेशन को इंश्योर नहीं करवाओगे कि वो इफेक्टिवली हो रहा है, तो आप राज नहीं कर सकते अच्छे से। कहीं से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, कहीं पे कोई घटना घट गई, कहीं पे कोई बात हो गई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास में जल्दी आ जाती है, तो फिर आप जो भी एक्शन लेना है जल्दी ले सकते हो, और एक्शन अगर आप जल्दी लोगे तो जो भी घटना है, जो भी दुर्घटना है, जो भी क्राइसिस है या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसको आप जल्दी से जल्दी जो है हैंडल कर सकते हो, इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हो। अब अगर इन्फॉर्मेशन ही लेट आएगी तो फिर उसके ऊपर निर्णय लेट करोगे, और निर्णय लेट करोगे तो एक्शन लेते लेते पता चला बहुत देर हो गई, या फिर एक्शन लेने का टाइम ही निकल गया। इसके चलते होता यह है कि फिर आपका अंपायर कमजोर होगा, एंड अगर अंपायर फिर कमजोर होगा या फिर अंपायर अगर इफेक्टिवली गवर्न नहीं होगा, तो लोगों की शिकायतें बढ़ेंगी, राजा अनपॉपुलर होगा और तरीके की चीजें होंगी। तो कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पहलू हुआ करता था अंपायर में, और इसको इंश्योर करने के लिए कि आपका जो प्रोविंशियल कैपिटल्स और पूरे अंपायर का कैपिटल है उनके बीच में, और कैपिटल्स जो आपके बना रखे थे प्रोविंशियल कैपिटल्स और अलग अलग जो दूसरे इलाके थे उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है, चाहे जमीनी रास्ते से हो रहा हो, चाहे आपका जल मार्ग के थ्रू या फिर नदी के रास्ते से हो रहा हो, उसको अच्छे से मेंटेन किया जाए, उसको बहुत इफेक्टिवली इंश्योर किया जाए, क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो फिर अंपायर का एग्जिस्टेंस जो है वो ढंग से मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये बात मौर्यंस को अच्छे से समझ में आ गई थी। अब क्योंकि अगर आप जमीनी रास्ता भी पकड़ लो या फिर अगर आप बहुत दूर से कहीं से नदी के रास्ते भी आ रहे हो, तो जो जर्नी है, चाहे प्रोविंशियल कैपिटल, चाहे आप अगर लेट्स से आप कैपिटल से चलना शुरू करते हो, पूरे अंपायर की किसी प्रोविंस के कैपिटल की तरफ में जा रहे हो, या किसी प्रोविंस के कैपिटल से किसी दूसरे इलाके में चलना शुरू कर रहे हो, तो पता चला कि वहां तक पहुंचते पहुंचते हफ्तों लग गए, महीनों लग गए, डिपेंड करता है कि आप कहां से चल रहे हो। जैसे कि अगर अपन मैप के ऊपर देखें, अब यहाँ तक्षशिला है, तक्षशिला से अगर आपको पाटलिपुत्र उस जमाने में आना था, तो ये इतना लंबा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको करने में आपको महीनों लग जाएंगे। या पाटलिपुत्र से अगर आपको तक्षशिला कोई संदेश पहुंचाना है, तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, फिर वहां से कोई संदेश लेकर आना, फिर बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, तो ये यात्रा करने में आपको महीनों लग सकते थे। इसी तरीके से अगर आप स्वर्णगिरी की बात कर लें, स्वर्णगिरी से आपको उज्जैन अगर कोई संदेश पहुंचाना है, या उज्जैन से अगर स्वर्णगिरी कोई संदेश पहुंचाना है, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है। या दोनों ही शहरों से अगर अपन बात कर लें, कि दोनों ही अगर अपन शहरों से बात करें, कि उज्जैन से आपको पाटलिपुत्र जाना है और स्वर्णगिरी से भी आपको पाटलिपुत्र जाना है, तो इसको इस यात्रा को करने में भी हफ्तों लग सकते थे, इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता था। तो जाहिर सी बात है, अगर इतने आप कह सकते हैं इतना टाइम आपको लग रहा है, यात्रा जो है इतना टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको इस पूरी यात्रा के लिए जो भी खाने पीने की रसद और बाकी सारे प्रोविजंस हैं, उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये यात्रा सक्सेसफुली हो जाए, इसमें कोई आपके ऊपर आपदा ना आए, इसके लिए आपको अपने प्रोटेक्शन की भी व्यवस्था करना पड़ेगी। और अगर इन रास्तों पर कोई आपका व्यक्ति मूव कर रहा है, तो उसको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी भी जो है फिर राज्य के ऊपर पड़ जाएगी। तो
कहीं ना कहीं यहाँ से फिर जो है जैसे जैसे अंपायर बढ़ता चला गया, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता चला गया, और जब ये पता समझ में आ गया कि भैया रास्ते में खाने पीने की रसद की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी है, जो रास्तों का इस्तेमाल किया जाएगा एक से दूसरी जगह मूव करने का, वहाँ पे किसी के साथ लूट मारना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, उससे प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं फिर आर्मी जो है वो एक इंपॉर्टेंट मीन बनती चली गई, क्योंकि आपको फिर यहाँ से जो है क्लियर हो गया कि अब सेना रखना पड़ेगी। अब तक तो ये हो रहा था कि सेना जो थी वो आपका एक ठीक ठाक मात्रा में रखी जा रही थी क्योंकि आपने युद्ध लड़ने थे, मगर अब युद्ध के अलावा आपको अपने जो हाईवेज कह लेते हैं उस जमाने के जो भी आपके इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं उनका प्रोटेक्शन अगर आपने करना है तो उसके लिए भी अब आपने सेना की या फिर अपने सिपाहियों की आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से आर्मी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। एंड यहाँ से फिर जो मौर्यन एम्पायर की आर्मी थी वो डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा बड़ी होती चली गई। कितनी ज्यादा बड़ी हो गई इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ एस्टिमेट्स का मानना है कि मौर्य लगभग 6 लाख के आसपास तक की स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, इसके अलावा हाथी घोड़े वो सब अलग है बट 6 लाख के करीब की स्टैंडिंग आर्मी रखा करते थे। आज से 2400-2300 साल पहले अगर 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी रखना पड़ रही है, 6 लाख लोगों को आपने अगर रेगुलर जो है आप सैलरी दे रहे हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हो और पूरा उनके आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स की व्यवस्था कर रहे हो, तो इससे समझ में आता है कि एम्पायर के रिसोर्सेज कितने ज़्यादा थे और इन मार्गों का प्रोटेक्शन कितना रेलेवेंट हो गया था कि इतनी बड़ी फौज रखना पड़ रही थी। आज भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी 6 लाख की फौज नहीं है, पाकिस्तान जो अपना आप कह सकते हैं पड़ोस का मुल्क है, शत्रु मुल्क कह लें दुश्मन मुल्क कह लें, इसकी फौज भी शायद 6 लाख 6.5 लाख के आसपास है, तो आज की तारीख में भी काफ़ी सारे देश इतनी बड़ी आर्मी नहीं रख पा रहे हैं जितनी बड़ी आर्मी मौर्यंस को उस जमाने में रखना पड़ रही थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि युद्ध लड़ना पड़ रहे थे, इसकी वजह यह भी थी कि ये पूरे के पूरे मार्गों पर प्रोटेक्शन देना इंपॉर्टेंट था। तो धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे ये चीज़ें लोगों को समझ में आती चली गई कि भाई कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अंपायर के एग्जिस्टेंस के लिए, और इस कम्युनिकेशन के लिए करना पड़ेंगी यात्राएं, यात्राओं में महीनों का वक्त लग सकता है, तो यहाँ पे फिर प्रोटेक्शन और प्रोविजन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन रास्तों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ से फिर आपकी जो सेना है वो प्रोमिनेंस गेन करती चली गई, आर्मी जो है वो प्रोमिनेंट होती चली गई, और साथ ही साथ शायद उस जमाने में जो दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी वो मौर्यंस मेंटेन कर रहे थे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक के डिस्कशन से हमको एक बात समझ में आ गई कि मौर्यंस के टाइम पीरियड में सम्राट अशोक का वक्त आते आते जब मौर्यन एम्पायर अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच गया, अपने चरम या फिर अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया, तब सेना या फिर आर्मी का प्रोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ना सिर्फ एक बहुत बड़ी आर्मी मौर्यंस के द्वारा मेंटेन की जा रही थी, मगर इस आर्मी का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं और भी बाकी सारी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जिसकी मदद से पूरे के पूरे एम्पायर को ना सिर्फ स्ट्रेंथन करके रखा गया था बट इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इंश्योर करवाई जाती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी फौज आपने रखी हुई है तो सिर्फ लोगों को आप लगातार भर्ती कर रहे हो, उनको लड़ना बढ़ना सिखा रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि घर जाओ, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुला लेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपने एक आर्मी मेंटेन की है तो लगातार फिर आपने इंश्योर करना होता है कि भाई सिपाहियों की फिटनेस ठीक रहे, साथ ही साथ जो भी वेपन्स वगैरह हैं बेहतर से बेहतर वेपन्स जो हैं उनके पास में उनको मुहैया कराई जाएँ, अच्छे से अच्छी डाइट उनको खिलाई जाए। इसके बाद में जो लड़ने के तरीके होते हैं, जो युद्ध की आपकी पूरी कला या कौशल होता है, इसमें लगातार नई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ और स्ट्रेटजीज़ का जो है इनोवेशन होता रहे, रेगुलर बेसिस पे आपकी फौज जो एक से दूसरी जगह मूव करती रहे, तो बहुत सी चीज़ें चलती हैं। आज भी अगर आप आर्मी की बात करो तो 15 लाख के आसपास की इंडियन आर्मी है वो एक जगह पे बैठा कर तो रखी नहीं गई है, कंटिन्यूसली मूवमेंट होते रहते हैं, लगातार नई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती रहती हैं, नए नए हथियार खरीदे जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, तो ये बात उस जमाने में भी लागू होती थी। उस जमाने में भी इतनी बड़ी फौज अगर आपने रखी है तो उसका पूरा मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था। आप अगर 6 लाख के करीब की आप फौज रख के बैठे हो तो इसका मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई छोटी मोटी बात तो रही नहीं होगी। इसको भी जो है अगर हम स्टडी करें तो हमको मौर्यंस के बारे में काफी कुछ पता चलता है। लकीली मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, उसमें आर्मी का मेंटेनेंस कैसे किया जाता था इसका हमको जिक्र मिलता है। मेगास्थनीज का कहना यह है कि एक पूरी की पूरी कमेटी बनाई गई थी इस काम के लिए कि आपने सेना का मेंटेनेंस कैसे करना है। अब फौज इतनी बड़ी थी कि अकेली कमेटी इस काम को नहीं देख सकती थी या सारी जिम्मेदारियां की नहीं निभा सकती थी, तो उन्होंने ये कमेटी भी जो थी अपने आप में फिर 6 सब कमेटीज में डिवाइडेड थी, यानी कि आपने एक समिति या एक कमेटी बनाई और उससे ये बोला है कि भाई तुम पूरा का पूरा जो है सेना जो है या फिर आर्म फोर्सेज जो है आपकी आप इनका ध्यान रखोगे। अब आर्म फोर्सेज इतनी ज्यादा बड़ी थी कि अकेली कमेटी इसका ध्यान रख नहीं सकती थी, तो फिर इसको इफेक्टिवली इस काम को करवाने के लिए कमेटी को भी 6 सब कमेटीज में डिवाइड किया गया और सबके अपने अलग अलग जो हैं जो भी फंक्शंस या काम थे वो डिसाइड किए गए ताकि इफेक्टिवली सारी मिलिट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवाया जा सके। आप मेगास्थनीज ये कहते हैं कि इसमें से जो एक सब कमेटी थी उसका जो काम था या जिम्मेदारी थी वो ये थी कि आप नेवी को देखोगे, नेवी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी है। यहां से अपने को ये पता चलता है कि मौर्यंस के पास में एक नेवी भी हुआ करती थी और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है क्योंकि हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि पाटलिपुत्र को बसाया ही इसलिए गया था क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी थी जहां से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का इस्तेमाल आप कम्युनिकेशन के लिए कर सकते थे। अब अगर नदी में जाना है और बड़े लेवल पर लोगों को या फिर सामान को एक से दूसरी जगह मूव कराना है तो छोटी छोटी नाव में तो मूव कराया नहीं जा सकता, ना आप तैर के पार कर सकते हो, बड़ी नाव बनाई गई होंगी, छोटे बड़े जहाज बनाए गए होंगे, तो पूरा जो नेवी थी इसका ध्यान इसका मेंटेनेंस
और इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब कुछ करने की भी जिम्मेदारी बनती है, तो उसके लिए पूरी की पूरी फिर एक सब कमेटी जो है अपॉइंट की गई थी। एक सब कमेटी ये काम कर रही है। द सेकंड मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट्स एंड प्रोविजंस। दूसरी जो सब कमेटी थी, इनका काम था कि अगर एक से दूसरी जगह फौज को मूव कराना है तो ट्रांसपोर्ट की सारी व्यवस्था आप करोगे, और अब एक से दूसरी जगह मूव करना है तो जाहिर सी बात है 200-400 मीटर तो जाना नहीं है, कई कई महीनों की कई कई हफ्तों की यात्रा करनी है, तो इसमें आपको जो खान पान रसद और बाकी सारी चीज़ें लगेंगी उस सारे प्रोविजंस का इंतजाम भी आपने करना है। ठीक है जी, अब ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि आपने बैलगाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, बैलगाड़ियों के ऊपर आपने सिपाहियों को बैठा के भेजना है, इसी के साथ साथ आपने रसद का सामान भी जो है लाद के भेजना है। आप जिस भी काम के लिए आप मूव कर रहे हो उस सारे काम से रिलेटेड भी अगर किसी चीज़ को एक से दूसरी जगह मूव कराना है तो उसके लिए भी फिर आपको जो है गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती रही होगी। तो ये बैलगाड़ियाँ, घोड़े और भी बाकी जो हाथी वगैरह जिनका भी इस्तेमाल किया जाता होगा, ट्रांसपोर्ट के सारे काम एंड खाने पीने की जो रसद है और बाकी सारी चीज़ें, ये सारे प्रोविजंस करने की जिम्मेदारी इस सेकंड सब कमेटी के ऊपर आती थी। तीसरी सब कमेटी की जिम्मेदारी थी फुट सोल्जर्स की, इनकी ट्रेनिंग, इनका रिक्रूटमेंट, इनका पूरा सैलरी वगैरह और सारा जो भी हिसाब किताब है फुट जो आपका पैदल सैनिक है उसका हिसाब किताब रखने के लिए पूरी की पूरी सब कमेटी बनाई हुई थी। चौथी सब कमेटी घोड़ों का ध्यान रखती थी, हॉर्सेस का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल था पुराने टाइम पीरियड में वॉरफेयर में। इनफैक्ट अभी भी जब तक टैंक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे मॉडर्न वॉरफेयर में 1800-1900 के आसपास तक में, तब तक भी जो है कैवलरी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहा करता था, तो हॉर्सेस को भी जो है इनका ध्यान रखना, इनका पूरा मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए पूरी की पूरी एक सब कमेटी थी। जो चैरियट्स या फिर रथ हुआ करते थे उसके लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी, और हाथियों का ध्यान रखने के लिए भी एक पूरी की पूरी सब कमेटी थी। हमने अभी डिस्कस भी करा है कि हाथी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ करते थे, तो ये भी आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं है कि एलिफेंट्स का भी ध्यान रखने के लिए एक स्पेसिफिक सब कमेटी बनाई गई थी। इस तरीके से ये 6-6 सब कमेटीज बनाकर जो इस एक बड़ी कमेटी का पार्ट थी, इतनी बड़ी आर्मी या इतनी बड़ी सेना को मेंटेन मॉरियंस के टाइम पीरियड में किया जाता था। और मेगास्थनीज ने इसके बारे में पूरा रिकॉर्ड लिखा है, क्योंकि ये आदमी वहां पर एम्बेसडर था, उसने अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी थी, तो इसलिए इसके अकाउंट्स के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, इसको एक ऑथेंटिक सोर्स मान सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि सेकंड सब कमेटी को यह बोला गया है कि भाई ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, फौज अगर कहीं से भी कहीं तक मूव कर रही है तो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन उसमें जो भी लगेगा उसकी व्यवस्था तुम करना। ठीक है जी, अब ये जो सेकंड सब कमेटी है, ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन आपने बड़े सिंपल बोल दिया जनरल टर्म्स में, मगर इसके फंक्शंस अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। आपने एक से लेट से आप इसको ऐसे मान लेते हैं कि पाटलिपुत्र से अगर तक्षशिला जाना है और आप 5000 सिपाहियों को लेकर जा रहे हो, तो 5000 सिपाही ये तो है नहीं कि पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक पैदल मार्च कर जाएंगे, इनको बैठा कर लेकर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको गाड़ियों की स्पेसिफिकली बुलक कार्ट्स की व्यवस्था करना पड़ेगी। हाथियों को लेकर जा रहे हो तो फिर वो हाथियों को लाने ले जाने की जो है पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी, घोड़ों पर बैठा कर ले जा रहे हो तो फिर घोड़ों की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अब अगर एक से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो बुलक कार्ट्स चाहे लोगों को बैठा कर लेकर जाना हो चाहे इक्विपमेंट लेकर जाना हो उसके लिए आपको जरूरत है, और इसके अलावा घोड़े हाथी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उनका इंतजाम आपने करना पड़ेगा। दूसरा, इतनी बड़ी यात्रा करनी है तो सिपाहियों के लिए आपको खाने की व्यवस्था करना पड़ेगी, जानवर लेकर जा रहे हो तो उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था करना पड़ेगी। इसके अलावा आप इतना लंबा सफर करोगे जो महीनों तक का होने वाला है, तो ऐसा तो है नहीं कि आदमी चलना शुरू करेगा और कंटिन्यूसली चला जाएगा, बस रात को कहीं पर सोने के लिए रुकेगा, खाना वाना खाएगा और सो जाएगा। बीच बीच में कई जगहों पर अच्छी जगहें भी पड़ती हैं, आदमी थक भी जाता है तो थोड़ा एक लंबा रेस्ट ले लेता है, कहीं पर लंबे कैंप्स लगाए जाते हैं। तो इस पूरे ड्यूरेशन में आप सामने वाले का एंटरटेनमेंट करना भी जरूरी है, उनका ध्यान, सोल्जर्स का ध्यान रखने के लिए भी आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, हेल्पर्स की, अटेंडर्स की जरूरत पड़ेगी, तो सर्वेंट्स और आर्टिसंस को भी आपको साथ में लेकर जाना जरूरी है जो इनका एंटरटेनमेंट कर सके, मनोरंजन कर सके, इनकी जरूरतों का ख्याल रख सके, इन सबको भी लेकर आपने जाना है। फिर इन सबके लिए भी रसद पानी और इनके भी साथ में चलने की व्यवस्था करनी है। तो कुल मिलाकर ये जो कमेटी है आप इसको ऐसे कह सकते हैं सेकंड कमेटी सुपर कमेटी के तौर पर काम किया करती थी। सेकंड सब कमेटी की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, तो शायद ये लोग जो है सबसे बड़े लेवल पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया करते रहे होंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल सब कमेटी के तौर पर निकलकर आई होगी। अशोका ऑल्सो ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धम्म द प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सीन वेर सिंप्लीफाइड एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो सम्राट अशोक जो थे उन्होंने अब ना सिर्फ सेना का इस्तेमाल कर अपने एम्पायर को एक साथ जोड़ के रखने की कोशिश करी थी, बट साथ ही साथ उन्होंने धम्म का जो प्रचार प्रसार किया था, आज की तारीख में हिस्टोरियंस का ये मानना है कि धम्म का जो ये प्रचार प्रसार है इसमें जिन बातों को बताया गया है, जिन प्रिंसिपल्स को बोला गया है, ये बड़े सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं। आप किसी भी रिलीजन को मानो, आप किसी भी आइडियोलॉजी में बिलीव करो, आप किसी भी क्षेत्र से आओ, ये आपको अपील जरूर करेंगे, ये आपको जो है सिंपल से सिंपल इतना सिंपल है कि आपको समझ में आ जाएंगे, एंड इनकी जो अपील
है वो यूनिवर्सल है। चाहे आप रशिया के आदमी को बोल दो कि भाई बड़ों का सम्मान करो, आप हर आदमी की जो है रिस्पेक्ट करो, तो उसको भी ये बात पल्ले पड़ेगी। चाहे आप लैटिन अमेरिका में बैठे हुए किसी आदिवासी को ये बात उसकी भाषा में समझा दो कि यार बड़े लोगों का सम्मान करो, अगर आपका कोई रिलीजन नहीं मानता तो उसके भी आप जो रिलीजन या डाइवर्सिटीज उनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, तो ये बात उसको भी समझ में आ जाएगी। सम्राट अशोक का ये मैसेज जो है ये इतना ज़्यादा सिंपल है और इतना ज़्यादा वर्चुअल, इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्लोबली एप्लीकेबल है कि आज भी इसको एज इट इज़ जो है लोगों तक पहुँचाया जा सकता है और लोगों को समझ में आ जाएगा। हिस्टोरियंस का मानना यह है कि शायद सम्राट अशोक ने धम्म का जो प्रचार प्रसार किया, जिसमें इन मैसेजेस को पहुँचाया था, ये भी एक तरीके से अंपायर को साथ में जोड़कर रखने की एक स्ट्रेटजी थी। This according to him would ensure the well-being of people in the world, in this world and the next. तो सम्राट अशोक ये बोलते थे कि अगर आप ये सारी चीज़ें मानोगे तो इससे आप इस दुनिया में भी अच्छे से रहोगे और दूसरी दुनिया में भी जो है आप अच्छे से रह सकते हो, आपको अगली दुनिया में भी जो है भगवान सदगति देगा। अब अगर इन बातों का लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, लोग अगर अच्छे से रहेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, सबके साथ आदर सत्कार से रहेंगे, तो इससे एक बहुत बड़ी चीज़ जो नहीं होगी वो है कन्फ्लिक्ट। अगर कन्फ्लिक्ट कम होंगे इसका मतलब आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर इंटरनली आपका मजबूत रहेगा तो फिर आप अपना पूरा ध्यान जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर लगा सकते हो, एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर आप अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं धम्म का जो प्रचार प्रसार था जिसने लोगों को पैसिव होने की तरफ थोड़ा सा पुश किया है, ये बोलकर कि इस तरह से रहोगे तो इस जिंदगी में भी अच्छे से रहोगे, अगली जिंदगी में भी अच्छे से रहोगे, इसके चलते भी जो ये भी जो है एक स्ट्रैटेजी मानी जाती है सम्राट अशोक की, जिसके चलते एम्पायर में पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया जा सके। इनफैक्ट सम्राट अशोक धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कितना ज़्यादा सीरियस थे वो अपने को इस बात से पता चलता है कि बकायदा एक स्पेशल ऑफिसर जिसका नाम धम्म महामत्ता हुआ करता था उसको अपॉइंट किया जाता था, और उसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि उसको ये देखना था कि धम्म का प्रचार प्रसार अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे धम्म का मतलब ये नहीं है कि आप एक रिलीजन जो है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। फिर इस बात को मैं एम्फेसिस करके बोल दूँ, सम्राट अशोक ने कभी फोर्स नहीं किया किसी को या किसी के ऊपर बौद्ध धर्म को, प्रचार प्रसार जरूर किया था, मगर ये नहीं है कि तुम्हें यह माननी पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये जो धम्म कह लीजिए, ये रिलीजन कह लीजिए, ये जो धम्म है या फिर ये जो इसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका रिलीजन क्या है, इनका प्रचार प्रसार किया गया था। धम्म का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक किस्म का जो रिलीजन है या फिर आज की तारीख में हम लोग ऑर्गेनाइज रिलीजन को जिस तरह से समझते हैं उसका यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो स्पेसिफिक स्पेशल ऑफिसर जो है इसके लिए अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम धम्म महामत्ता था, और वो लोग ये देखते थे कि धम्म का प्रचार प्रसार अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लोग इस संदेश को अच्छे से समझ के अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। यहाँ से हिस्टोरियंस का मानना यह है कि यार चलो ठीक है, तुम लोगों का सम्मान करो, ये करो वो करो, मॉरल साइंस के लेसन आप देना चाहते हो, आपका मन कर रहा है, वो भी समझ में आता है, मगर मॉरल साइंस के ये लेसन देने के लिए आपने एक आदमी को बैठा के रखा और उसकी जिम्मेदारी ये है धम्म महामत्ता की कि यार सब लोगों के अंदर तक ये बात पहुंच जाए, ये अच्छे से जो इसका प्रचार प्रसार हो वो इस बात को देख रहा है। यहां से हिस्टोरियंस का जो है मत बनता है कि ये सारी की सारी चीजें एक बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत में की गई थी और धम्म की मदद से आप अपने अंपायर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रख पा रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर के अच्छे से मेंटेनेंस के चलते आप अपनी सारी फोर्सेस को एक्सटर्नल थ्रेट के ऊपर पूरी तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं तो फोर्सेस बटेंगी नहीं, यहाँ पर जाएंगी नहीं, वजह धम्म है, और धम्म के चलते इस लाइफ में और उस लाइफ में सब में ठीक रहोगे, ये पूरे प्रचार प्रसार से आप ये सारा काम कर रहे हो। तो यहाँ से धम्म महामत्ता का अपॉइंटमेंट एक इंडिकेशन है कि शायद धम्म का प्रचार प्रसार भी एक स्ट्रैटेजी थी जिसका इस्तेमाल सम्राट अशोक ने बखूबी किया। चले आगे बढ़ते हैं।